की फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। अन्विता दत्त डायरेक्टेड इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, स्वास्तिका मुखर्जी और बाबिल खान जैसे एक्टर्स ने काम किया है। बाबिल इरफान के बेटे हैं, बतौर एक्टर कला उनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म में उन्होंने जगन नाम के उभरते हुए गायक का किरदार निभाया है, जिसे कम उम्र में खूब ख्याति मिल जाती है। समकालीन साथी गवैये ईर्ष्या रखने लगते हैं। इस बीच जगन की आवाज खराब होने लगती है, क्योंकि उसे पारा यानी मरकरी खिला दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। बाबिल का निभाया जगन का ये किरदार असल जीवन से प्रेरित है। किससे? मास्टर मदन की कहानी से। मास्टर मदन छोटी उम्र में अपने इलाके के सबसे नामचीन गवैयों में गिने जाने लगे थे। 3.5 साल की उम्र में पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस दी। 10 से 12 साल लंबे म्यूजिक करियर में कुल 8 गाने गाए, जिनमें से 2 की रिकॉर्डिंग आसानी से उपलब्ध है। कहा जाता है कि मास्टर मदन जब 15 साल के थे, तब किसी ने दूध में पारा घोलकर उनकी जान ले ली। जलंधर के खानखाना गांव में अमर सिंह अपनी पत्नी पूरन देवी और बच्चों के साथ रहते थे। अमर सिंह अंग्रेजों के लिए काम करते थे। उनकी संगीत में बड़ी रुचि थी। घर पर कई वाद्य यंत्र रखे थे, जो कभी अमर सिंह और उनके बच्चे बजाया करते थे, खासकर उनकी बड़ी बिटिया शांति। खैर, जैसे ही गर्मी आती, अंग्रेज सरकार अपना बोरिया बिस्तर लेकर शिमला शिफ्ट हो जाती थी। तब अमर सिंह की फैमिली शिमला के लोअर बाजार में बनी बुटेल बिल्डिंग में रहा करती थी। 28 दिसंबर 1927 को अमर सिंह के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मदन। जब मदन 1.5 महीने के थे, तब उनके घर में एक बंदर घुस आया। घर वालों के सामने से बंदर मदन को उठाकर छत पर ले गया। घर वाले रोकते टोकते रहे, मगर कोई फर्क नहीं। सबको डर था कि बंदर बच्चे को गिरा ना दे। ठीक तभी शांति को याद आया कि घर में एक संतरा पड़ा है। वो दौड़कर संतरा लाई और बंदर के सामने फेंक दिया। फिर बंदर ने मदन को सही सलामत जमीन पर टिकाया और संतरा लेकर भाग खड़ा हुआ। बहरहाल, मदन जब बड़े हो रहे थे, तब उनके घर का माहौल बड़ा संगीतमय था। बताया जाता है कि 2-2.5 साल की उम्र से ही वो अपनी बहन शांति से म्यूजिक सीखने लगे थे। जून 1930 में जब मदन 3.5 साल के थे, तब सोलन के धर्मपुर में एक इवेंट हो रहा था। यहाँ मदन ने वंदना है शारदा नमन करूं नाम का भजन गाया। ये उनके करियर की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी, जिसने उन्हें यहाँ गाते सुना हैरान रह गया, क्योंकि वो 3 साल के बच्चे के लिहाज से काफी परिपक्व गायकी थी। उन दिनों केएल सैगल शिमला में ही रेमिंगटन नाम की टाइपराइटर कंपनी के लिए काम करते थे। वर्ड ऑफ माउथ से मास्टर मदन नाम के गवैये की खबर उन तक पहुंची। वो अमर सिंह के यहाँ पहुंचे, मदन के साथ मुलाकात की, उन्हें रियाज करते सुना। वो भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसके बाद मदन के यहाँ उनका आना जाना लगा रहा। तब तक लगा रहा जब तक वो न्यू थिएटर ज्वाइन करने के लिए कलकत्ता नहीं चले गए। ये वही कुंदन लाल सैगल थे जो आगे चलकर देश के लेजेंडरी सिंगर और एक्टर बने। उन्हें इंडिया का पहला सुपरस्टार भी माना जाता है। उन्होंने कुल 36 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 28 हिंदी फिल्में थी और बाकी बांग्ला। उन्होंने सुबह का सितारा, तानसेन, देवदास, शाहजहां और परवाना जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने जब दिल ही टूट गया, जीने का ढंग सिखा जा और ए दिले बेकरार, झूम जैसे गाने गाए थे। मास्टर मदन की स्कूली पढ़ाई लिखाई शिमला के ही सनातन धर्म स्कूल से हुई। मैट्रिक उन्होंने रामजस स्कूल दिल्ली से की। इस दौरान वो देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर स्टेज परफॉर्मेंस करते रहे। इसके अलावा 1931 से लेकर 1942 तक वो AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करते रहे। ऑल इंडिया रेडियो के इस लाइनअप में बड़े गुलाम अली खान, दिलीप चंद्रवेदी, दीना कव्वाल, मुबारक अली, फतेह अली जैसे दिग्गजों के साथ मास्टर मदन भी थे, जो कि उनकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी से देश के तमाम नए सिंगर नाखुश से रहने लगे। उन्हें लग रहा था कि मास्टर मदन की वजह से उन्हें अच्छे मौके नहीं मिल पा रहे। खैर, 1942 में मास्टर मदन ने कलकत्ता में एक स्टेज परफॉर्मेंस दी। यहाँ उन्होंने विनती सुनो मेरी अवधपुर के बसैया गाना गाया था। उनके गायन से इम्प्रेस होकर जनता ने उन्हें खूब इनाम दिए, पैसों से लेकर सोना और क्या क्या नहीं मिला। इसके बाद वो लौट कर दिल्ली आए और AIR के लिए गाना जारी रखा, मगर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार आया जो जा ही नहीं रहा था। बताया जाता है कि उन्हें किसी ने दूध में पारा घोलकर पिला दिया था। इसकी वजह से वो बीमार रहे और कुछ ही दिनों बाद जून 1942 में उनकी डेथ हो गई। तब वो मात्र 15 साल के थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक उनके ही किसी साथी सिंगर ने ऐसा किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मास्टर मदन रह गए तो उन्हें
लांग कर कोई आगे नहीं जा पाएगा। मास्टर मदन ने अपने करियर में कई गाने गजल और ठुमरिया गाई, मगर उनमें से सिर्फ 8 की रिकॉर्डिंग ही हो पाई। इसमें 2 गजल, 2 पंजाबी गीत, 2 ठुमरी और गुरबानी के 2 टुकड़े शामिल हैं। मगर मास्टर मदन को आज भी यूं न रह रह के हमें सताइए और हैरत से तक रहा जहां ने वफा मुझे की वजह से याद किया जाता है। इन दोनों ही गजलों को सागर निजामी ने लिखा था। इन दोनों गजलों को आप यूट्यूब पर आसानी से सुन सकते हैं। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांग ने। ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप सिनेमा से। शुक्रिया।